ये जो पत्थर है ऐसे, ये मैंने चूला बीच पे भी आपको दिखाए थे, पर यहाँ की खूबसूरती कुछ और ही है। क्योंकि आप देख सकोगे ये बड़ा जो खड़क जैसा है, तो उसके वजह से यहाँ की खूबसूरती को और चार चांद लग जाते हैं। बेहद अच्छा लग रहा है यहाँ आके। जैसे जैसे हम लोग बीच एक्सप्लोर कर रहे हैं मालवन साइड के, वैसे वैसे और ही एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने मालवन बीच देखा तो वो नॉर्मल था, बट उसके बाद जो चूला बीच देखा वो और पसंद आया। और उसके बाद अभी जो हम लोग आए सुबह सुबह ये न्यूती बीच देखने, आपको दिख रहा है ये यहाँ की जो रेत है ये वहाँ से भी ज़्यादा, चूला या मालवन बीच से भी ज़्यादा वाइट है। और यहाँ का पानी तो प्रॉपर क्रिस्टल वाटर ही लग रहा है। तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये पता नहीं सही है कि नहीं है, पर जो भी है वो आपको बता रहा हूँ। ये न्यूती बीच आप ज़रूर विजिट करना, बहुत ही अच्छा बीच है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो फील आता है, क्योंकि चारों ओर से देखो आप घेर चुका है इसको, ऐसा नहीं कि ओपन बीच है, यहाँ पे बहुत लोग दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो उसके वजह से जो यहाँ का एटमॉस्फेयर बनता है बहुत ही अट्रैक्टिव है, देखने लायक है, फील करने लायक है। तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। और ये जो पानी है बहुत अच्छा है, बहुत आगे तक आता है, ठंडा पानी है, तो बहुत अच्छा सुकून मिलता है इस बीच को देख के। तो आप ज़रूर एक बार यहाँ पे आना। और इसके आगे ही बोगे बीच भी है और वो कुछ ही किलोमीटर पे है, और वहाँ भी ऐसा ही है थोड़ा बहुत, तो वो भी हम लोग अभी जाने वाले हैं। पहला यहाँ का थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ नज़ारा आगे जाके भी। अभी जो आपने देखा वो पॉइंट जिसको टीटा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में यहाँ के, तो वहाँ से लेफ्ट में है न्यूती बीच और राइट में जाना है अपने को, क्योंकि हम जा रहे हैं अभी बोगे बीच में, तो वहाँ से डिवाइड होता है ये दो बीच के लिए रास्ता। पहुँच गए हम लोग बोगे बीच पे, अभी ये सामने चाय पी रहे हैं और आगे जाके बोगे बीच है। ये वड़ा पाव और सामने है भोगवे बीच, तो ये वड़ा पाव भोगवे बीच के सामने आपको खाने को मिलेगा और उसका मज़ा भी कुछ और ही है। सो दोस्तों, ये हमारा भोगवे बीच, नारियल के पेड़ यहाँ भी है बीच के सामने, और ये पीछे हमारा अरबी समुद्र। ये आप जो है वो पीछे देख रहे हो, ये जो वाला पार्ट है ना, वहाँ पे खाड़ी है ऐसा हमको बताया गया है,
और आगे जाके ये समुंदर है, पता नहीं वो मिक्स हो रही है कहीं पे, तो ऐसा हमें इन लोकल द्वारा बताया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी थोड़े छोटे छोटे रॉक्स है जो ये पानी का बहाव थोड़ा फोर्स कम कर देते हैं। तो ये सेम चीज़ हम लोगों ने चिवला बीच पे देखी थी और नियोती बीच पे भी, मालवन बीच पे ये नहीं थे। ये जो खाड़ी है उसके वजह से जो पानी है, नॉर्मल जो वाटर रहता है हमको मुंबई के साइड दिखता है पानी, वैसे कलर है यहाँ के समुंदर का। पानी कैसा भी हो दोस्तों या बीच कौन सा भी हो, पर ये समुंदर के नज़दीक आकर वहाँ बैठ के या खड़े होके जो भी हम लोग फील करते हैं उसका मज़ा कुछ और ही है। बोगे बीच के ही सामने जैसा आपने अभी देखा, मैं हम लोगों ने कुछ खाना खाया तो वहाँ पे हमको काका मिले यहाँ पे, और वो थोड़ा सा हमें इस जगह के बारे में, इस बीच के बारे में बताएंगे। बोगे बीच तो बहुत अतिशय सुंदर है, देखने जैसा है किनारा पट्टी, और दूसरा सुविधा है बोटिंग। अच्छा, बोटिंग करना, वाटर स्पोर्ट, डॉल्फिन पॉइंट। हाँ। के अंदर जाने के बाद डॉल्फिन दिखते हैं। अच्छा, और जरूर दिखते हैं। अच्छा, और वो पर्यटक लोग उनकी मजा लेते हैं। अच्छा, टूरिस्ट बहुत एंजॉय करते हैं। अतिशय सुंदर स्पॉट। हाँ। बोगे बीच, ये इसको संगम बोलता है, संगम स्पॉट। हाँ। बोगे बीच संगम स्पॉट है। हाँ, संगम मतलब वहाँ पे आगे जाके समुद्र और नदी एक दूसरे को मिलती है, बराबर ना? हाँ, समुद्र और नदी का एक मिलन हुआ, वो संगम स्पॉट है ये बोगे बीच। सो दोस्तों, ये था हमारा बोगे बीच, जरूर बताइए आपको कैसे लगा। चलिए अभी जाते हैं आगे, देवबाग जाना है, वहाँ पे तारकरली और वायरी बीच देखेंगे। दोस्तों, ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये चिपी एयरपोर्ट का बोर्ड है, तो अगर आपको कोकण में मालवन साइड बाय फ्लाइट आना है तो आप इस एयरपोर्ट पे आ सकते हो, और यहाँ से कुछ ही मतलब 10 से 20 के किलोमीटर के रेंज में यहाँ पे बीचेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोग अभी नियुती और भोगवे बीच देख के आए, वो यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और मालवन जाना हो तो यहाँ से मालवन 20 किलोमीटर पे है, तो वैसे आप आ सकते हो यहाँ पे बाय फ्लाइट। अभी हम आ गए वायरी बीच पे, ये और आगे जाके तारकरली बीच है, ये दोनों बीच एक दूसरे को लग के ही है, सो थोड़े डिस्टेंस पे ही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज संडे होने के बावजूद भी इधर ज़्यादा क्राउड नहीं है। हालांकि ये सीज़न भी नहीं है, यहाँ पे लोग आते हैं मार्च के बाद या फिर दिसंबर जनवरी में आते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत शांति दिखेगी, और समुंदर तो बहुत ही अच्छा है, और सैंड भी वाइट है, सफ़ेद रहती है, तो अच्छी जगह है ये भी।